अब देखो जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी पढ़ ली। अब उसके बाद में जैसे कि जो नॉर्मल आप लोगों के ट्रस्ट करके जो प्रॉपर्टीज थी जैसे चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड एमपीएस को एमपी लॉ का आयोनिक डेरिवेशन, उसके बाद में किसी भी आवेश कोई भी धारावाहिक चालक है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हुई तो उसके अंदर जो जिन आवेशों में धारा प्रवाहित हुई उसके ऊपर लगने वाले बल का मान पढ़ लिया था हमने। फिर लास्ट हमने क्या किया था, कोई भी आपकी कुंडली जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के आपने प्लेन रखा है तो उसके ऊपर लगने वाले बल का क्या मान होगा उसको आप घुमाना है फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में जो थोड़ा सा अलग होती है इसका वैसी मैं देखोगे लेकिन थोड़ा सा सर जो है वो किसी को होगा आपको नाम की चुंबक के लिए जिसको आप मैंने नहीं जैसे देखो चुंबक मैग्नेटाइजेशन कब होगा रियल में देखोगे तो मैग्नेटाइजेशन कब प्रोड्यूस होता है जब आप उसके ऊपर बाहर से किसी चुंबकीय पदार्थ के ऊपर क्या करते हो कोई फील्ड अप्लाई करते हो, अदरवाइज मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा क्योंकि आप देखोगे अगर उसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ है आपके पास तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन होंगे तो इन आवेशों की जो गति होती है उस आवेशों की गति का करंट जो होती है उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके क्या उत्पन्न हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाएगा ठीक है। लेकिन वो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो सभी अणुओं के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो सारा का सारा क्या होगा रैंडम रैंडमली डायरेक्शन में होगा मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी रैंडम डायरेक्शन होगी तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा उसका का मैग्नेटिक मूवमेंट एकदम क्या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और दोनों चुंबकीय एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट करेंगे और टोटली विदाउट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबकीय पदार्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का मान क्या होता है जीरो होता है। लेकिन जैसे आपने बाहर से क्या किया किसी पदार्थ के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ के ऊपर आपने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड बी बोलो या फिर इंटेंसिटी एच को आपने क्या किया अप्लाई किया तो उस कंडीशन में क्या होता है ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो उस पदार्थ का जितना भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको क्या करता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देता है निश्चित कर देता है ओरिएंटेड कर देता है या तो अप डायरेक्शन में या फिर डाउन डायरेक्शन में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या कर देगा ओरिएंटेड कर देगा। जब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा म्यू का मान नॉन एग्जिस्ट जीरो मतलब अब इसके अंदर पदार्थ में क्या होगा कुछ ना कुछ आपको मैग्नेटिक मूवमेंट प्राप्त होगा होगा या नहीं होगा तो उस कंडीशन में जब आपको कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्राप्त हो जाता है ना तो उस कंडीशन में उस पदार्थ का क्या हो जाता है मैग्नेटाइजेशन होता है। दूसरी चीज ये कंप्लीटली मैग्नेटाइजेशन कब होगी जब प्रति एकांक आयतन पदार्थ के पूरे एकांक आयतन में जैसे कि आप ऊपर बताते हैं इसका जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में जितने भी अणु या परमाणु है उसके कारण उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट का मान म्यू अणु क्या होता है एक समान होता है तो उस कंडीशन में एम बराबर क्या लिखा जाता है समेशन म्यू अपॉन वी ठीक है। तो यहाँ से ये एम बराबर क्या आ जाएगा म्यू अपॉन परिवर्तन ना हो तो उस कंडीशन में वो चुंबकन जो होगा वो कैसे चुंबकन कहलाएगा
या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। देखो समान वर्ड से आप नाम सोचोगे इक्वल मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं और समान को यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन भी कहा जा सकता है। मतलब आप तो ये समझे में कि अगर किसी पदार्थ को अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और उसके जो मैग्नेटाइजेशन हुआ उसके कारण जो उस प्रत्येक बिंदु पर उस पदार्थ के अंदर उधर चुंबकीय तीव्रता का चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एम का मान प्रत्येक बिंदु पर उधर इक्वल है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है तो उसके बीच में वो चुंबकन जो है वो कैसा चुंबकन कहलाएगा समान चुंबकन या यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। पर वहीं पर दूसरी जगह पर आप अगर आप इसका जब असमान चुंबकन देते हैं जिसमें क्या होगा आपके पास में कोई भी पदार्थ है फिर से आप उसमें क्या करोगे मैग्नेटिक फील्ड पर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड पर रखोगे तो उसमें क्या होगा मैग्नेटाइजेशन चुंबकीय अभिरूपण होगा। लेकिन अब इस चुंबकीय अभिरूपण के कारण उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होगी ना वो क्या होगी प्रत्येक बिंदु में क्या होगी और समान नहीं होगी। मतलब आप इसको क्या करो अरे अल्फा से गुणा करो फिर डिवाइड करो ठीक है जैसे मान लो कि आपके पास में कोई आयताकार या वृत्ताकार भाग होगा उस ये एक चुंबकीय पदार्थ है इसको आप मान लो कि टुकड़ों में गुणा लिखते हैं ठीक है ये पहला आपका टुकड़ा जैसे आप जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये है और ये वाला है ये क्या होगी समान जो होगी इनमें किसी ना किसी प्रकार कोई ना कोई डिफरेंस होगा तो उसके बीच में आप देखोगे तो प्रत्येक अल्फा से प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मान इक्वल नहीं है। जब मैग्नेटिक नहीं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या चुंबकन तीव्रता का मान इक्वल नहीं होता है ना तो उस प्रकार का चुंबकन जो कैसे चुंबकन हो जाता है असमान चुंबकन कहलाता है। अब देखो दोनों चुंबकन के बारे में आपको पता चल गया एक तो आप लोगों को ये जो दो अलग अलग प्रकार के चुंबकन है डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए क्योंकि एक नंबर पर डेफिनेशन कभी भी पूछ सकता है। दूसरी चीज ये कि इन दोनों चुंबकन में जो उत्पन्न होने वाले जैसे कि मैग्नेटाइजेशन हुआ है इसके कारण उत्पन्न होने वाली धारा का मान आपको क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी के बारे में आपको मालूम होता है कि जो एम होता है वो आप किसी भी को आई ए वेक्टर से दे सकते हो सॉरी एम के यू के यू वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं आई ए वेक्टर पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट करंट जिस फील्ड के प्रोड्यूस डायरेक्शन उसी दिशा में होती जिस दिशा में उसके फील्ड की डायरेक्शन मतलब क्षेत्रफल की दिशा ठीक है। अब देखो अब हम किसी एक बड़े के समान चुंबकन की कंडीशन कोई भी बता दें जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उस रिलेटेड कंडीशन के अंदर जो उस पदार्थ से बाउंडेड करंट होगी उस करंट का क्या मान होगा वो देखो डेरिवेशन कैसे डेफिनेशन तो पहले बता दें अब क्या करो आप एक कोई भी ऐसा एक प्रश्न बोलो कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ आप ठीक है वैसे पदार्थों के बारे में पढ़ते हो तो चुंबकीय पदार्थ जैसे प्रति चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ इनको सॉलिड स्टेट में पढ़ा जाता है आप मतलब ठोस अवस्था के अंदर और ये जो पदार्थ होते हैं ये एक प्रकार से कैसे क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करते हैं ये भी मालूम होगा तो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर के अंदर आपको मालूम है स्ट्रक्चर होती कैसी या तो सिंगल क्यूबिक या बीसीसी या एफसीसी या फिर एससीपी मतलब हेक्साकोनल वाली एक स्ट्रक्चर इन चारों स्ट्रक्चर के सिवाय और उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो अब अगर कोई पदार्थ दिया तो उसको किसी टाइप का लोग क्यूबिकल फॉर्मेट में लोग किसके अलावा तो उसको किसी और रूप में ले नहीं सकते ठीक। और देखो आपके पास में कोई एक चुंबकीय पदार्थ है ठीक है इसके अंदर क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर पदार्थ में क्या होगा एक समान रूप से क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो मैग्नेटाइज इंटेंसिटी होगी उसका मान क्या होगा प्रत्येक बिंदु में इक्वल होगा क्योंकि समान चुंबकन में अभी भी यही बताया था कि जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है इक्वल तो उसके बीच में क्या करते हैं इस पदार्थ को क्या करते हैं छोटे छोटे अल्फाज में डिवाइड करते हैं क्या
इसको ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में अल्पांश टुकड़ा हो गया होगा, क्योंकि एक पिस्टन नीचे पर जो आप देखते हो तो उस समय आपको मालूम है कि एक पिस्टन नीचे से अगर आप एक घन ले लो तो वो ओनली एक घन स्ट्रक्चर उसकी नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगी वैसी वैसी काफी यूनिट सेल्स होती है, उनकी पुनरावृत्ति से क्या मिलती है मतलब पीरियोडिक रूप से वो ओरिएंटेशन से या रिपीटेशन से आपको क्या मिलता है कंप्लीट पिस्टन स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब यही होगा कि आपने एक पिस्टन का घन बना दी तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओनली और ओनली एक घन है, इसके अंदर और भी घन हो सकते हैं। देखो आपने जो पहला होगा जो आपने बालू नाम की ये जो घन लिया है इसके अंदर आपने क्या कर लिया उदाहरण में से कोई भी एक छोटे से अल्पांश को बनाया जिसे की अल्पांश को बनाया ठीक है, ये अल्पांश को क्या हो गया इसकी लंबाई dx ऊंचाई dz बड़ी है थोड़ा क्या आ जाए d बड़ी ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर z डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा या सो मैग्नेटाइज इंटेंसिटी वो मान क्या है m है। अब देखो जैसे आपने ये कर लिया वैसे के वैसे इसके अंदर और भी अल्पांश टुकड़े होंगे, उन सब के अंदर आप अगर जेड डायरेक्शन के अंदर इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को देखोगे तो सबका मान क्या होगा m ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर m का मान अगर आप कुल पदार्थ के लिए लिखो या फिर ओनली फॉर ओनली इस एक टुकड़े के लिए लिखो तो वो m के बराबर क्या होगा कुल अपॉन क्या होता है आयतन, यही चीज होती है मतलब एम का मान यही होता है कि पदार्थ के अंदर कुल कितना चुंबकीय आघूर्ण है अपॉन क्या आ जाएगा उसका आयतन। तो यहां से देखो कौन सी डायरेक्शन है इसकी जेड डायरेक्शन, तो एम के बराबर क्या हो जाएगा कुल मैग्नेटिक को विद्रुव आघूर्ण को किससे बदलती करते हो चुंबकीय पदार्थ के अंदर म्यू वेक्टर से, तो म्यू वेक्टर अपॉन आप क्या लिखोगे वॉल्यूम वी। अब देखो इसका वॉल्यूम वी ये वॉल्यूम वी किस तरीके से लिखा जाए डी एच डी बाय डी करके मैंने भी लिखा है यहां से न्यू वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा डी एच डी बाय डी जे के लिखा जाएगा। अब देखो अब उसके बाद में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण प्रोड्यूस हो रहा है उसका उसके अंदर जो क्षेत्रफल है उसके अंदर कोण और घन के साथ जो रिलेशन दिया जाता है म्यू वेक्टर इसका स्क्वायर क्या होता है अल्फा ए वेक्टर के द्वारा लिखा जाता है। तो यहां से ये एफ वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा एम वेक्टर इसका स्क्वायर आई ए वेक्टर अपॉन डी एक्स डी वाई इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो करंट ए वेक्टर डी एक्स डी वाई डी जेड, अब देखो ये फील्ड ये करंट प्रोड्यूस कहां पे होगी जिस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जो करंट उसी का होगा। तो देखो ये करंट इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो प्रोड्यूस होगी तो ये कौन सी लीनियर के लंबवत डायरेक्शन में कौन सा तल आपके एक्स वाई तल है उसी के लंबवत डायरेक्शन में, तो यहां से ये जो एरिया दी होगा इस करंट के लिए वो कौन सा एरिया है dx dy वाला एरिया होगा। ए का मान यहां पे क्या लिखा जाएगा dx dy यहां पे करंट i बराबर यहां पे ये मैग्नेटिक जैसे मोमेंट m वेक्टर बराबर आप क्या लिखोगे i dx dy / dx dy dz ये dx dx क्या dx dy क्या यहां पे करंट आपके i बराबर क्या आ जाएगी m वेक्टर / dz या फिर i बराबर क्या आएगा मतलब जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ ठीक है ना, मतलब आपकी इंटेंसिटी जो है जिस डायरेक्शन में उस इंटेंसिटी का मान तथा वो लेंथ जो आपको पता चले ना जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ और उसका मल्टीप्लिकेशन आपने किसको पता चल जाएगा उस पदार्थ की करंट में पता चल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समान चुंबकत्व है ये फॉर्मूला यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अब इसके बाद में आता है असमान थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में उसी का है इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ये चीज यहाँ तक तो उसमें भी आएगा पर उसके बाद क्या इसमें थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो अभी जो हमने ये डायग्राम लिया था सेम वैल्यू का डायग्राम हो रहा था बस चेंज से इसमें क्या चीज आएगी कि अब जो भी पदार्थ उसमें आप अल्पांश टुकड़े लोगे ना उन सब अल्पांश टुकड़ों में क्या आगे होगा
मैग्नेटाइजेशन मोमेंट का मान किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल है। देखो कैसे, जेड
ठीक है, और दोनों ही ग्रुपों के पर तो अलग अलग पास शब्द है असमान चिंतन के कारण यहाँ पर mz का मान और यहाँ पर mz का मान क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी mz, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी mz प्लस, और इस अल्फा के लिए मान लो जो लंबाई आए वो क्या है dx, थोड़ा ही जो है क्या मान लो dy, और ऊंचाई जो है क्या है dz, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप mz के कारण धारा लिखोगे तो धारा I किस तरह से लंबवत होते किस तरह से लंबवत होगी x y तल से लंबवत होगी इसकी डायरेक्शन की धारा की, तो ये x y 1 स्पष्ट क्या होगा mz dz डायरेक्शन की जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से mz डैश के कारण दोनों की डायरेक्शन क्या है ओपोजिट, तो आप रिजल्टेंट करंट को लिखोगे तो वो क्या होगी
दोनों के ही डिफरेंस के बराबर होगी या नहीं होगी? तो देखो अब विनिश जाते हो वो हमको क्या है वो बना जो कि नेक्स्ट क्लास में